नमस्कार मैं बहुआ मुबारक हो क्रिकेट का जलसा बस दो ही दिन दूर है तैयारियां हो चुकी हैं कल तो टिकट भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं दो साल बाद इस टी लीग में दर्शक आएंगे इंडिया में मजा आएगा ना भिड़ो मतलब दर्शक तो पिछले साल भी थे लेकिन पिछले साल यू वाले फेज में एंट्री अलाउ करी गई थी फिलहाल सभी स्टेडियमों में पच्चीस की कीपैसिटी से दर्शक अलाउ किए गए हैं जो बाद में बढ़ भी सकता है भाई आपका नॉलेज तो कमाल का लेकिन क्या हैदराबाद की टीम आगे बढ़ पाएगी पिछले साल इतनी बेहतरीन टीम और मैनेजमेंट होने के बावजूद ये टीम आखिरी नंबर पर रही थी जब से फ्रेंचाइजी बनी है तब से इनका यह सबसे खराब प्रदर्शन था और क्लास का टॉपर अगर बुरी तरह फेल हो जाए तो, फिर तो लगता है बात तो सही है तो बस उनके फैंस को जोर का झटका धीरे से लगा लेकिन क्या इनके फैंस को अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्या हैदराबादी बिरयानी पर अब रायता फैल ही गया है आपको बताएंगे इस वीडियो में वीडियो सही लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना करो तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हैदराबाद हैदराबाद की टीम का वन। का टॉकिंग टॉकिंग पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर है इनके रिटेंशन रिटेन करने के टाइम पर जब बाकी टीमें अपने सबसे बड़े सुपरस्टार प्लेयर्स को रिटेन कर रही थी उस वक्त हैदराबाद की गाड़ी उल्टी दिशा में दौड़ रही थी तू समझा नहीं तू समझा नहीं इन्होंने सबसे बड़े सुपरस्टार राशिद खान को जाने दिया राशिद के जाने की वजह यह थी कि वो इस टीम का पहला रिटेंशन बनना चाहते थे लेकिन टीम केन विलियमसन को तरजीह दे थी लेकिन अगर मैनेजमेंट खुद कप्तान केन विलियमसन से पूछता तो शायद वो अपने से भी ऊपर राशिद खान को रखते दुनिया का कौन कप्तान टी ट्वेंटी में राशिद खान को अपनी टीम से बाहर करना चाहेगा जरा बताओ यही नहीं हैदराबाद ने डेविड वार्नर को भी जाने दिया माना कि पिछला साल वार्नर का ठंडा रहा लेकिन एक साल के लिए आप कई सालों की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज थोड़ी ना कर सकते है। हैदराबाद ने न सिर्फ वार्नर से कप्तानी छीनी और उनको टीम से बाहर किया बल्कि उनको डगआउट में भी नहीं बैठने दिया अरे यार ऐसा कैसे सोचते लीग में वार्नर का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो लेकिन उसके फौरन बाद शुरू हुए वर्ल्ड कप में वार्नर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के निकले इसके बावजूद हैदराबाद ने वार्नर को जाने देने का फैसला किया अब जब राशिद और वार्नर गुजर तो दिल्ली की तरफ से हैदराबाद के खिलाफ खेलेंगे ना बाबा तो मैच देखने लायक होगा है नहीं। है का टू है, उनकी हालांकि हो लेकिन उनके असिस्टेंट कोच साइमन कटिज ने के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया ऑक्शन से छोड़ जाने के बाद भी जरा कोचिंग स्टाफ पर नजर तोड़ा मास्टर माइंड टॉम मूडी वापस से कोच बन गए दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से ब्रेन लारा हैदराबाद के बैटिंग कोच है स्पिन गेंदबाजों कोचिंग देने के लिए वालों ने मुरलीधरन को चुना जबकि हैदराबाद से ही ये लीग खेल चुके दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों में हुए तेज गेंदबाजों को कोचिंग देंगे यानी अगर सिर्फ कोच लोगों का मैच हो जाए तो हैदराबाद की टीम किसी और टीम से हारेगी ही नहीं लेकिन फील्ड पर तो प्लेयर्स को उतरना है कोच को थोड़ी क्या समझे हैदराबाद का टॉकिंग पॉइंट नंबर थ्री है उनके अनकैप्ट इंडियन प्लेयर्स पंजाब की तरह इस टीम में भी उभरते हुए भारतीय खिलाड़ियों की भरमार है रिटेंशन के टाइम पर हैदराबाद ने ब्रेव कॉल लेते हुए जम्मू कश्मीर के दो खिलाड़ियों को रिटेन किया एक थे अब्दुल समद जिनके लंबे लंबे छक्के ऑलरेडी टॉक ऑफ द टाउन है और वहीं दूसरे उमरान मलिक इस वक्त भारत के सबसे तेज गेंदबाज माने जाते हैं इन दोनों के अलावा प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा को भी टीम ने ऑप्शन में वापस खरीद लिया है दोनों ही काफी अंडर हैं और हैदराबाद बिल्कुल चाहेगी कि उनके सारे यंगस्टर केन विलियमसन की कप्तानी में अच्छा करें और अपने टैलेंट का संपूर्ण उपयोग करके हैदराबाद को टॉप फोर में पहुंचाएं लेकिन क्या हैदराबाद वाकई टॉप फोर में पहुंच पाएगी देखिए अगर आप मुझे दस में से हैदराबाद को नंबर देने को बोलोगे तो मैं सिक्स पॉइंट फाइव दूंगा वजह यही की टीम उतनी सॉलिड नहीं दिखती जितनी पिछले कुछ सालों में दिखा करती थी यही नहीं विलियमसन इंजरी से जूझ रहे हैं नटराजन को हमने लास्ट कब खेलते देखा था हमको खुद ही याद नहीं भुवनेश्वर भैया भी अक्सर चोटिल रहते हैं अगर आप हैदराबाद के फैन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको टीम से क्या उम्मीद है और आपको लगता है टॉप फोर में पहुंचेगी कौन बनेगा हैदराबाद का कड़क प्लेयर नंबर वन ये सब अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ एक आखिरी बची टीम का प्रीव्यू करेंगे कल एक कड़क वीडियो लाएंगे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना